Assalamu alaikum everyone hope you all are fine welcome to ESCT classes education for all I'm Nusrat Meer and today my topic is about Lohara dynasty which is the lecture number nine of our series which is about the general knowledge about J&K. राइट right? और ये जो है हमारी मेडिवल हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है आई थिंक ऑलरेडी दो मैंने इससे पहले दिए हुए और एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है ऑलरेडी कवर्ड प्लीज़ इफ़ यू डोंट हैव टू लिसन राइट टिल नाउ दोज लेक्चर्स प्लीज गो थ्रू देम एंड देन आफ्टर दैट कम टू दिस वेरी लेक्चर पहले आप वो लेक्चर सुन लें उसके बाद आप इस लेक्चर पे आए क्योंकि जितना आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे हिस्ट्री विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ओके सो आई होप कि आप लोगों को मेरी लेक्चर्स जो है मेरी ये मेहनत जो है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें शेयर करें और कमेंट भी किया करें एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई माई लेक्चर्स थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ठीक है <laughs> तो चलें और ये कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और ये वाली सीरीज़ जो है आपको हर उस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जेके हिस्ट्री जो है वो मेंशन की हुई उस सलेबस में एंड इस्पेशली दिस सीरीज़ इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द जे के एस एस बी एग्ज़ाम्स जेके पी एस सी एंड ऑल अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स राइट तो चलें आज जो हमारा लोहारा डायनेस्टी है जिसके बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे ठीक है बट उससे पहले आप लोग बोलते रहते हैं ना पीडीएफ्स के बारे में ये, तो पी के बारे में आप लोगों को ये बोलूँ कि जो ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी सी एल्तीफ सर के नाम से तो आप प्लीज़ वो ऐप जो डाउनलोड करें वहाँ पर आपको जे जे के जी के का एक फ़ोल्डर मिलेगा उसके अंदर आपको मेरे लेक्चर्स की सारी पी डी एफ़्स उसी टाइम मिला करेगी जो ही मेरा लेक्चर जो है अपलोड होता है ठीक है उसके साथ में ही राइट तो उसके बाद बात जो जितने भी लेक्चर्स मैंने आज तक दिए वहाँ पे हर एक लेक्चर की पीडीएफ जो है ऑलरेडी अवेलेबल है ठीक है दैट हेज़ बीन प्रोवाइडेड इन द ऐप बट सिर्फ़ टेलीग्राम पे इसलिए नहीं प्रोवाइड होता है क्योंकि अगर आपको सेपरेटली मिल जाएगा तो वो फिर बाद में ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है सो फॉर दैट आपको मेरी लेक्चर सीरीज़ जो है कम्प्लीट होने के बाद एक कंपाइलेट पी डी एफ मिलेगी जो कि आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा और आई यू कैन मेक द प्रिंट आउट ऑफ दैम ठीक है आप उसका प्रिंट प्रिंट ऑफ अच्छे से निकाल निकाल सकते हैं और आप लोगों के लिए वो अच्छा भी रहेगा राइट रहे? बट अगर आपको हर लेक्चर के बाद में ही पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को ऐप जो है वो जरूरी डाउनलोड करनी पड़ेगी ठीक है तो वहाँ पर आपको हर एक लेक्चर की जो है पी मिला करेंगे और इवन वहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वो जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक प्रोवाइड किए हैं ठीक है थीके? तो आई होप कि आप लोगों को पीडीएफ के बारे में जितना भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा अब फिर से ये नहीं होगा मैम पी डी एफ चाहिए पी डी एफ चाहिए पी डी एफ चाहिए ठीक है अब पढ़ाई पे ध्यान दो और ऐप डाउनलोड करो वहाँ से आप लोगों को हर लेक्चर की पी डी एफ जो है वो मिल जाएगी ठीक है दैट हैर बीन ऑलरेडी दैट और नाउ आज जो हमारा है हमारा टॉपिक है दरसा अबाउट लोहारा डायनेस्टी तो इससे पहले एक और बात बोलना चाहूँगी कि देखो कभी कभी जो है मुझसे भी कोई पॉइंट रह जाता है एंड थैंक यू सो मच आप लोग वो पॉइंट्स जो है कमेंट सेक्शन में बोल देते हो तो इस वजह से एक पॉइंट जो है जो इम्पॉर्टेंट है मुझसे रह गया था सो आई वन आफ फर्स्टली कवर दैट जो मैंने इससे पहले एक लेक्चर पढ़ाया था दैट वॉज अबाउट उत्पला डायनेस्टी एंड आईव टोल्ड यू दैट द फाउंडर वॉज अवंती वर्मन अवंती वर्मन ने कश्मीर पे दो साल तक एराउंड uh, रूल किया है तो उसके बारे में ये पॉइंट मैं कवर करना भूल गई थी भूल क्या गई थी मेरे मैंने जितना पढ़ा है जैसे मेरे नोट्स है ऑल दैट उसमें मुझे ये पॉइंट नहीं मिला कि मैं मिसिस स्किप हो गया था मेरे नोट्स में भी ये ऐड करने के लिए एंड थैंक यू सो मच टू दैट पर्सन हु हैव बीन टोल्ड मी इन द कमेंट सेक्शन मैंशन दिस वेरी पॉइंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई रियली एडिड माई द एडिड दैट वेरी पॉइंट इन माई नोट्स एट द टाइम ठीक है तो दैट इज़ दिस कि अवंती वर्मन ने अवंतीपुरा में दो दो टेम्पल्स जो है वो बनाए थे ठीक है एंड वन इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड अनदर इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड वैष्णव ठीक है प्लीज़ आप ये लोग आप सारे लोग जो है ये कमेंट जो है अपने सॉरी ये वाला पॉइंट जो है आप लोग अपने नोट्स में ऐड करें मैंने भी ऐड किया है ठीक है तो थैंक यू सो मच टू तो दैट वेरी पर्सन और प्लीज़ ऐसे ही आप लोग मेरा लेक्चर ध्यान से सुने और जो भी मुझसे रहा जा, रह जाता है वो आप लोग प्लीज़ बोला करें ठीक है क्योंकि मुझे सारा कुछ नहीं पता है ठीक है आई ट्राई माई बेस्ट एक लेक्चर के बारे में मैं वो सारा कुछ बोलूँ मैं जितना भी मेरे पास नॉलेज है जितने भी मेरे पास नोट्स हैं जितने मेरे पास बुक्स हैं कंसल्टीचन एवरी आई ट्राई टू कवर दैट वेरी टॉपिक होली एंड सोली बट समे

आई होप ये क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ आप ये नोट्स में अपने ऐड करें ठीक है नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टूडेज टॉपिक व्हिच इज़ लोहारा डायनेस्टी तो दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय संग्रामा राज ठीक है ये डायनेस्टी जो है संग्रामा राज ने फाउंड की थी देखो uh, जब भी आप हिस्टोरी हिस्टोरियंस की कोई बुक पढ़ोगे समवेयर यू विल फाउंड कि कहीं पे लिखा होगा लोहारा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय क्वीन दीदा राइट इन द लास्ट लेक्चर तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर एक लेक्चर पहले देखो <coughs> उसके बाद नए लेक्चर पे आ जाओ uh, क्योंकि मैं स्टोरी वाइज चल रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आई डोंट लीव एनीथिंग इन बिटवीन तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो देखो पिछले लेक्चर में आप लोगों को बोला कि दीदा जो थी वो लोहरा डायनेस्टी की प्रिंसेस थी मीनस डॉटर थी ना कि वो वहाँ पर क्वीन थी फिर उसकी शादी जो है उत्पल क्या बोलते गुप्ता डायनेस्टी में हो गई थी ठीक है दैट दैट पॉइंट इज़ क्लियर आई होप आप लोगों को अभी भी याद होगा वो कि उनकी शादी फिर गुप्ता डायनेस्टी में हुई थी ठीक है किससे हुई थी ये लोग ये आप लोग मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन में कि किससे उनकी शादी हुई थी ठीक है फिर वहाँ पर जब उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड देन शी बिकम्स द क्वीन राइट right? वो क्वीन बन जाती है अपने रिजेंट क्वीन होती है अपने बेटे के लिए अभिमन्यु के लिए ठीक है बट ऐसे ही फिर कुछ टाइम तक वो रिजेंट क्वीन रहती है बट फिर होली सोली वो ट्वेंटी टू ईयर्स तक जो है uh, खुद ही जो है रूल करती है ठीक है बट उन्होंने अपने लाइफ टाइम में यह बोला होता है कि जो उसका भाई है जिसका नाम उदय राज होता है उसका बेटा जो है जिसका नाम संग्रामा राज होता है वो उसके बाद थ्रोन पे बैठना चाहिए ठीक है ही शुड असेंड द थ्रोन तो उन्होंने फिर उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो संग्रामा राज को जो है इस पर गद्दी पर बिठाया जाता है ठीक है ही बिकेम द किंग बट अब उसको क्यों बोला जाता है एक्चुअल में तो अब जो लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर कौन बन गया संग्राम महाराज ठीक है ना बट फिर भी हम ये क्यों बोलते हैं कि कोइंदीदा जो है वो फाउंडर थी दिस इज़ बिकॉज कि हिस्टोरियंस जो है या वे शी इज़ बीइंग अवॉर्डेड उसको एक एजाज़ दिया जाता है कि उन्होंने ही लोहरा डायनेस्टी का एक्चुअल में रूल रखा बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ही बोला था कि मुझे जो है मेरे बाद जो है मेरे भाई का बेटा जो है वो हुकूमत करना चाहिए मीनस उन्होंने किसको को एफेफरेंस दी लोहारा डायनेस्टी को ठीक है तो उस वजह से समवेयर वेयर यह बोला जाता है कि वही फाउंडर है बट एक्चुअल एक्चुअली द लोहारा डायनेस्टी इज फाउंडेड बाई संग्राम बट शी इज बिंग एवॉर्डेड बाय दैट ठीक है तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो जाए कि आप लोग ये बोलोगे कि मैम ने गलत बोला द इज दीदा एंड शी शीज सिंग संग्राम बट एक्चुअली इट इज संग्राम बट शी हैज़ बिन गिवन द एवार्डेड बाय दिस ठीक है बट हमें एक्चुअल का एक्चुअल में याद रखना है ना ठीक है फिर उसके बाद जो है ये बोला जाता है महमूद गजनवी जो थी सॉरी जो था आई <coughs> होप कि आप लोग बेयर कर कर रहे हो टू डे आई एम नॉट फीलिंग वेल आई डोंट नो वट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि लेक्चर अच्छा रहे आई होप ये अच्छा ही रहेगा जो महमूद गजनी थे उन्होंने कश्मीर पे दो बार अटैक किया ड्यूरिंग द रीन ऑफ संग्रामा ठीक है बट वो फेल हो गए एक पहला अटैक उनका वन जीरो वन फाइव में था अनदर वॉज इन वन ज़ीरो टू सिक्स ए डी ठीक है दिस इम्प्लाइज दैट कि संग्रामा राज जो है वो क्या थे वो एक ब्रेव किंग थे मीन्स उन्होंने उनकी उनकी उन्हों, ही हुकूमत के दौरान जो है ये अटैक्स जो है ये नाकाम रहे दैट मीन्स ही वॉज अ ब्रेव पर्सन ही वॉज अ ब्रेव किंग राइट तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है वन जीरो टू एट ए डी में ठीक है फिर इसके दो बेटे होते हैं एक होता है जो बड़ा वाला उसका नाम क्या होता है हरी राजा जो यंगर वन नेमली अनंता ठीक है ये दो तो इसके बेटे होते हैं जो बड़ा वाला बेटा होता है उसकी डेथ हो जाती है जस्ट आफ्टर द ट्वेंटी टू डेज ऑफ असेंडिंग द थ्रोन राइट मतलब जो ही वो गदी पे बैठता है तो उस की डेथ हो जाती है ट्वेंटी टू डेज के बाद ही ठीक है उसके बाद कौन आता है उसके बाद अनंत आता है वो थ्रोन को असेंड करता है ठीक है बट उसके टाइम देखो ये ब्रेव किंग ये भी अच्छा किंग होता है बट इसके टाइम में क्या होता है बहुत अटैक्स होते हैं मतलब पुष के राजा या चंबा के राजा जो है वो बहुत अटैक्स तो मीनस उसको जो है बहुत चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है ठीक है और इसका रेन कहाँ से कहाँ तक रहता है वन ज़ीरो टू एट टू वन ज़ीरो सिक्स थ्री ए डी तक ठीक है और इसको फिर सक्सीड कौन करता है कालाशाह जो कालाशा होता है वो ग्रैंडसन होता है संग्राम राजा का ठीक है संग्राम राजा का वो पोता होता है वो उसके बाद इसको सक्सीड करता है और उसका रेन कहाँ से कहाँ तक होता है वन जीरो सिक्स थ्री टू वन ज़ीरो एट नाइन ए डी ठीक है आई होप इतना आप लोगों को या, या, या समझ में आया होगा पहले जो है फाउंडर कौन थे संग्राम महाराजा थे उसके बाद उसका बेटा आता है मीनस पहले एक बेटा आता था हरी हरी राजा बट वो न, उनकी डेथ हो जाती है ट्वेंटी टू डेज के बाद ही उसके बाद अनंता आता है उसका छोटा वाला बेटा और उसके बाद जो है काला सा आता है जो कि क्या होते हैं वो इसके ग्रैंड सन होते हैं ठीक है थीके? इतना क्लियर हुआ आई होप टिल दिस वेरी पॉइंट यू ऑल आर क्लियर अबाउट इट चलो अब हम आगे चलते हैं फिर कालासा के बारे में यह है कि उनको सक्सीड करता है अपना बड़ा वाला बेटा जिसका क्या नाम होता है उत्कर्षा जो उत्कर्षा होते हैं इसके ये इसके बड़े बेटे होते हैं तो जैसे जो भी मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब अगर बाप किंग है तो उसके बाद उसका बड़ा वाला बेटा बनेगा ठीक है ना बेटा ही बनेगा अगर दो तीन बेटे तो बड़े वाला बनेगा ठीक है ना ऐसा ऐसा चलता रहता है तो ये किंग तो बनता है बट जो इसका छोटा वाला बेटा होता है जिसका नाम हर्षा होता है वो ज़्यादा कैपेबल होता है और उसके विजनरी पावर विजन विजनरी पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ठीक है मतलब सब लोग जो है ये मानते हैं कि ये ज़्यादा कैपेबल था उत्कर्षा के मुकाबले में हर्षा जो है ज़्यादा कैपेबल था किंग बनने के लिए शायद ही बहुत अच्छा रूल करता ठीक है तो ये ये मतलब लोगों में होता है कि नहीं हम उत्कर्षा से बदले जो हर्षा ही होना चाहिए था तो पहले क्या हो गया लोगों को लोगों को किंग के बारे में ये रहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है ये वीक है ये नहीं अच्छे से रूल करेगा इससे छो, छोटा भाई ये अच्छा है ठीक है तो लोगों में वो बड़ा आ गई वो एक तरीके से एक नफरत होने लगती है किंग की ठीक है ना फिर इसके बाद इनको आपस में भी होने लगी ठीक है तो ऐसा ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन होने लगती है कि एक सिविल वॉर बन सिविल वॉर वो भी बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिविल वॉर होता है इसके टाइम पे ठीक है काला काला के बेटे के टाइम पर मतलब उत्कर्षा होता है मतलब फिर उत्कर्षा और हर्षा के दरम्यान भी लड़ाई होती है ऐसा होता है कि जो ये लोग हैं वो क्या करते हैं वो सीधे ही इनके पैलेसेस को जो है आग लगाते हैं वहाँ पर इनकी वाइव्स होती है कोइंस होती है या बच्चे होते हैं दे डोंट थिंक अबाउट इट दे जस्ट बर्न देयर पैलेसेस ठीक है आप ये समझ सकें कि, कि किस हद तक सिविल वॉर होता है ठीक है बट इस इसके बीच में जो हर्षा होता है वो कही कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहता है कि वो वहाँ से भाग जाता है अपनी आर्मी को ले ठीक है अब ये देखो कि वो, मतलब वो तो भाग गया एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया से वो निकल गए बच के निकल गए बट आगे भी लोगों में गुस्सा है ठीक है तो सिविल वॉर तो बहुत ज़्यादा था तो इन अ लॉन्ग रन ही वॉज किल्ड ठीक है इसको ए, मार दिया गया ठीक है ये फिर उसके बाद हर हर्षा के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये आर्ट एंड लिटरेचर में जो है बहुत इंटरेस्ट रखते थे ठीक है इसको बहुत लाइक मीनस ही वॉज ए वेरी जीनियस पर्सन एक इंटेलिजेंट पर्सन भी थे जो आर्ट और लिटरेचर को एक कदर करते थे ठीक है हर्षा के बारे में बोल रही हूँ मैं फिर हर्षा और जो इसका बेटा होता है जिसका नाम होता है बोजा ठीक है ये दोनों माने जाते हैं कि ये स्ट्रांग रूलर्स थे किसमें लोहारा डायनेस्टी में दे स्ट्रांग रूलर्स बट इनको कौन मारते हैं इनके अपने ही जनरल्स ठीक है जिसका एक का नाम होता है उचाला एंड दूसरे का नाम होता है सुसाला ठीक हो यहाँ पर भी एक आप लोगों को पॉइंट मिल जाएगा कि समवेयर विल फाइंड कि दे वेलड बाय देयर रिलेटिव्स उचाला एंड सुशाला बट आई एम सेग यू दे बाई दियर जनरल्स उचाला एंड सुशाला ठीक है ना तो हो गए ना कन्फ्यूजन बट दस नो नीड टू गेट कन्फ्यूज देखो तब क्या था कि जब जो एक बाद जब एक कोई बादशाह बनता था वो अपने बेटों को पहले क्या करता था उनको किसी ना किसी एरिया का गवर्नर बनाता था ठीक है न तो उसके बाद जो है जो उनके अपने रिलेटिव होते थे मीन्स बेटों के बेटे या अपने ही भाई वो ये सब उनको क्या बन बनाते थे किसी को कमिश्नर बनाते थे कमिश्नर इन चीफ बनाते थे किसी को जनरल बनाते थे ठीक है ना मतलब अपने ही रिलेटिव हर एक बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे ठीक है ना तो समवेयर किसी हिस्टोरियन ने अगर ये बोला कि दे वर बाई देयर रिलेटिव दैट्स ऑल्सो ट्रू ठीक है बट दे वर लेट बाई देयर जनरल्स वर दैट्स ऑल्सो ट्रू देखो जनरल्स भी उनके रिलेटिव ही थे ठीक है क्योंकि जनरल इज़ अ गुड पोजिशन तो वहाँ पर इनके अपने रिलेटिव ही हो सकते थे ठीक है उछाला और सुशाला के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये लोहारा डायनेस्टी के ही एक लाइनेज में एक आते थे ठीक है ना इसी इसी डायनेस्टी के साथ ही ताल्लुक़ रखते थे Um, तो उसके बाद जो है इन्होंने इनका कत्ल कर दिया और उसके बाद थ्रोन जो है इनके ही हाथों में आ गया देखो जब किसी को पता होगा कि इसको मारने के बाद मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है तो वही इंसान करेगा तो डैट मीन्स उस उछाला एंड सुशाला को ये पता था कि इफ़ वी आर गोइंग टू किल द किल दिस किंग एंड हिज सन तो उसके बाद डेफिनेटली थ्रोन हमारे हाथों में आएगा तो थ्रोन किन के हाथों में आता था जो उन उसके बाद इनके रिलेटिव्स होते थे क्लोज़ रिलेटिव्स होते थे दैट मीन्स देवर दल्सो द क्लोज रिलेटिव्स ठीक है वहाँ से भी हम गेस कर सकते हैं ना तो आई एम आई एम सेइंग यू कि डोंट गेट कन्फ्यूज इफ़ यू विल फाइंड सम दे वर द रिलेटिव्स और दे वर द जनरल्स बोथ आर द करेक्ट राइट एंड उसके बाद थ्रोन जो है इनके हाथों में आ गई ठीक है फिर उछाला ने रूल कहाँ से कहाँ तक किया वन ज़ीरो जीरो वन टू वन जीरो अलेवन ए डी तक और सुशाला ने रूल किया ड्यूरिंग अलेवन ट्वेंटी एट ए डी एराउंड ठीक है ना इसी के अराउंड उन्होंने रूल कर दिया ठीक है फिर उसके बाद जो है पहले ये थोड़ा फिर से कैप करते हैं मैंने अभी बोला कि कालासा जो थे वो ग्रैंड सन थे संग्रामा के फिर इसका बड़ा बेटा जो उत्कर्षा था वो थ्रोन पे बैठते हैं बट लोगों में ये होता है कि उत्कर्षा जो है वो इतने काबिल नहीं है वो किंग वो किंग के किंग बनने काबिल नहीं है बट इसका जो छोटा बेटा है हर्षा इसमें वो कैपेबिलिटीज़ है ये किंग बन सकता है और ये किंगडम को बहुत अच्छे से रख सकता है ठीक है तो लोग प्रेफर करते थे कि हर शाय होना चाहिए था बट बन कौन जाता है उत्कर्षा तो पहले इन भाइयों के दोनों के बीच में ही टकराव होने लगता है और लोगों को भी इन इनके बारे में गुस्सा आता है तो एक सिविल वार क्रिटिकल सिविल वार जो है वो स्टार्ट होता है कि ऐसे ही आग लगा दी जाती है पैलेसिस में वो ये सब लोग जला दिए जाते थे फिर हर्षा जो है इस बीच जो है इतना सक्सेसफुल होता है कि वो भागने में सक्सेसफुल रहता है और अपने आर्मी को लेके बट जो ही वो निकल जाते हैं तो कहीं से वो निकल जाते हैं बट समे ही वॉज किल्ड ठीक है killed, फिर हर्षा और इसका बेटा जो है उनको इसी कौन मारते हैं उछाला एंड है, सुशाला ही ठीक है ना मतलब सिविल वॉर में सारे इंक्लूड हो गए ना नोबल्स हो गए पीपल हो गए किंग हो गए इनके रिलेटिव्स हो गए तो ये आपस में ही फिर नहीं बता पाए तो उशाला और सुशाला ने इनका कत्ल कर दिया दोनों का किंग का भी और उसके बेटे का भी फिर इसके बाद थ्रोन पे यही बैठे उशाला ने वन जीरो जीरो वन टू वन जीरो अलेवन ए डी तक हुकूमत की और सुशाला ने अलेवन ट्वेंटी एट ए डी के अराउंड हुकूमत की ठीक है इतना क्लियर हुआ आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है उसके बाद जो है जेसिमा आते हैं बट जेसिमा के बारे में ये बोला जाता है ये ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं किसके लोहारा डायनेस्टी के ठीक है थीके? सबसे अच्छे रूलर थे ग्रेटेस्ट रूलर थे किसके लोहारा डायनेस्टी के ठीक है थीके? और इसको ये भी बोला जाता है इसके बारे में हिस्टोरियंस ने यह भी बोला है कि हम इसको ये कंसिडर करते हैं कि ये लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर थे देखो मैं ये नहीं बोल रही कि ये लास्ट हिंदू रूलर थे ही वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ठीक है ग्रेट किंग्स कुछ कुछ होते हैं किंग्स तो बहुत बनते हैं बट उनमें से भी कुछ जो है जिन जिनका हम ग्रेटर ग्रेट नाम से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ठीके? तो जैसमा वाज वन ऑफ देम एंड जैसमा इज कंसिडर इज़ द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर राइट ऑफ कश्मीर और उसके बाद जैसमा के बारे में ये बोला जाता है कि इसी के दौरान जो है कल्हाना ने अपनी राज जो है वो कंप्लीट की थी इसी के रीन के दौरान जब इनकी हुकूमत थी तब कल्हाना जो है वो ज़िंदा थे और तब वो कश्मीर में ही रह रहे थे और उसके बाद जो है उन्होंने राज तरंगनी भी इसी के रीन में जो है कंप्लीट की ठीक है और ये भी है कि जैसिमा ने रूल किया कश्मीर पे फॉर ट्वेंटी सेवन ईयर्स राइट और उन्होंने कश्मीर में पीस भी लाया अमन कायम किया क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि कैसा सिविल वार क्रिटिकल सिविल वार पैदा हो गया था बट जैसे ने वो सब ओवरकम किया उन्होंने पीस लाया कश्मीर में दैट मीन्स ही वॉज द बेस्ट किंग राइट ही वॉज द बेस्ट किंग ऑफ लोहारा डायनेस्टी और उसके बाद जो है

उसके बाद इसका बेटा आ गया जिसका नाम था परमानुका उसके बाद जो है इसका ग्रेंडसन आ गया जिसका नाम था वेंती देवा ठीक है वेंती देवा ने रूल किया अलेवन सिक्सटी फाइव से लेके 72 टू तक जिसको हम मतलब मोस्टली ये बोला जाता है कि ये लास्ट किंग रहे हैं लोहारा डायनेस्टी के ठीक है देखो कुछ किंग्स ऐसे होते हैं जो आ, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं मीनस फॉर वन टू मंथ्स जैसे हमने अभी देखा जो बेटा बेटे थे इनका पहले ही हमने देखा कि संग्रामा के जो बड़े बेटे थे तो हरी किंग तो वो उन्होंने सिर्फ ट्वेंटी टू डेज़ के लिए हुकूमत की ठीक है ना मतलब ट्वेंटी टू डेज़ के बाद ही उनकी डेथ हो गई तो यू विल फाइंड कि समवेयर उसको मेंशन ही नहीं किया गया होगा ठीक है ना मतलब ट्वेंटी टू डेज इज़ नथिंग राइट क्योंकि जहाँ पर किंग्स ने सौ सौ साल तक दो दो साल साल तक रूल किया वहाँ पर हम ट्वेंटी टू डेज को कोई वैल्यू नहीं देते ना इट इज़ कंसिडर एज ए नेगेजिबल बिफोर दैम सो फॉर देट हीट इज नॉट ही ही माइट नॉट बी मैंशन इज समवेयर राइट तो बट दैट डजेंट मीन कि uh, वो किंग ना रहे हैं समवेयर वो मैंशन हुए होंगे तो इस वजह से ये बोला जाता है कि वेंती देवा जो है ऑफ़न जो है मोस्टली जो है इसी को माना जाता है कि ये लोहारा डायनेस्टी के किंग रहे थे क्योंकि फिर ये डायनेस्टी जो है इसमें बहुत वीक रूलर्स आते रहे तो उनके जिसकी वजह से ये डायनेस्टी जो है आ, मतलब एक टाइम पे इसका डिक्लाइन हो गया तो इस वजह से इसको कंसिडर किया जाता है कि ये लास्ट किंग थे किसके लोहारा डायनेस्टी के कौन थे वेंती देवा इतना समझ में आया ठीक है तो कौन है जयसिमा जो है इसको माना जाता है कि ये ग्रेटेस्ट रूलर है किसके लोहरा डायनेस्टी के कल्हाना पंडित जो है वो इसी के टाइम में रह रहे थे वॉज लिव ड्यूरिंग जैसिमाज रूल और कल्हाना ने अपनी राज रंगनी जो है इसी के रीन में कंप्लीट की जैसिमा ने ट्वेंटी सेवन ईयर्स तक नियरली कश्मीर में रूल किया और ही इज कंसिडर एज द बेस्ट किंग और वी कैन से लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस ठीक है उसके बाद जयसिमा का रूल जयसिमा को किसने फॉलो किया इसके बेटे ने प्रमुख करने और उसके बाद इसके ग्रैंसन ने जिसका नाम था वेंति देवा और उस वेंति देवा को ही मोस्टली माना जाता है कि ये लास्ट किंग रहे किसके लोहारा डायनेस्टी के ठीक है उसके बाद अब वेंति देवा के बारे में पढ़ेंगे वेंति देवा मतलब इसको कंसिडर किया था किया जाता था लास्ट रूल इनकी डेथ कब होती है अलेवन सेवेंटी वन ए डी में जो ही इसकी डेथ होती है ना फिर पॉलिटिकल uh, अनरेस्ट होता है मींस अब वहाँ पर जो है कश्मीर में जो है क्योस पैदा होता है कि अब कौन किंग बनेगा वो ऐसा मतलब कोई बोलता है ये बनेगा कोई बोलता है वो बनेगा ठीक है और मोस्टली इस डायनेस्टी के बारे में ये बोला जाता है कि इनको किसी और डायनेस्टी ने नहीं टेक ओवर किया बल्कि ये डायनेस्टी खुद ख़त्म हो गई बिकॉज इनको आपस में ही लड़ाई हुई देर वॉज ए फाइट एमंग दैम सेल्व्स एमंग रिलेटिव कि कौन थ्रोन पे बैठेगा हु एसेंड द थ्रोन एंड उस वजह से दिस डायनेस्टी केम टू एन एंड ठीक है सो लोहारा डायनेस्टी को एंड एंड uh, करने का क्रेडिट किन को जाता है लोहारा डायनेस्टी के लोगों को खुद ही जाता है ठीक है और उसके बाद जो है जो ही एंड होता है लोहारा डायनेस्टी का जो वेंती देवा जो है इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पर हम ये नहीं बोलते इसको सक्सीड uh, किया मतलब सक्सीड मीनस इसके ही किसी रिलेटिव में मतलब बेटा आता है ग्रैंडसन आता है वो सब आते हैं बट इसको रिप्लेस ही कर दिया गया मतलब इस डायनेस्टी को ये हटा दिया गया किसी और पर्सन को लाया गया और उस पर्सन को लोगों ने खुद इलेक्ट करके लाया ठीक है लोगों ने खुद चुना उसको कोई वोटिंग नहीं वोटिंग विकांत से कि उस टाइम वोटिंग हुई थी क्या होती बट लोगों ने खुद चुना उसको हाँ ये हमारा बादशाह बनेगा उसका क्या नाम था वा देवा और वपा देवा जो है इसने स्टार्ट की एक डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं वूपा दिवास वूपा दिवास या हम दूसरा नाम इसको बोलते हैं देवा डायनेस्टी, ठीक है तो देवा डायनेस्टी इसके बाद स्टार्ट होती है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आई होप इतना क्लियर हुआ होगा तो वेंती देवा इज़ मोस्टली कंसिडर्ड एज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी एंड आफ्टर हिज डेस्ट देर वॉज अ पोलिटिकल अनरेस्ट और वो कैसे क्योस इन कश्मीर एंड दिस डायनेस्टी मीनज लोहारा डायनेस्टी केम टू एन एंड ओनली बिकॉज ऑफ हैविंग द फाइट एमंग रिलेटिव ठीक है फॉर हु विल असेंड द थ्रोन आई होप दिस मच इज टू यू विद द एंड ऑफ दिस लोहारा डायनेस्टी पीपल एपरेंटली इलेक्ट इलेक्टिव देवा टेंड द थ्रोन ठीक है उसको गदी पे उन्होंने लोगों ने खुद बिठाया उपादेवा देवा को और देवा ने एक डायनेस्टी स्टार्ट की जिसका नाम क्या बोलते हैं हम देवास ठीक है तो उसके बाद जो है अब देवा डायनेस्टी स्टार्ट होती है जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ले लेक्चर में पढ़ेंगे तो ये था इतना इन दिस मच वॉज फॉर टुडे बट अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट ज़रूरत है या चाहिए तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़े वहीं पे मैंने आपको इस पहले लेक्चर के स्टार्ट में ही बोला पी आपको हर लेक्चर के बाद उधर ही मिलेगी और इवन दैट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड दट बट पी डी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी ठीक है वो आपको एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ जो है आपको मिल जाएगी कंप्लीट ठीक है और टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लें वो भी सी लतीफ़ सर के नाम से हैं ओके okay? और इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प अस इन दिस वेरी नोबल काज तो प्लीज़ उसके लिए आप डोनेट भी कर सकते हैं जिसके बारे में फुल डिटेल जो है इधर आपको um, दिख रही है सारा सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच कीप शेयरिंग आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच स्टे ब्लेस्ड